देखिए, आज अपन AS16 स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोरिंग कॉस्ट के बारे में है कि जो आप पैसा लोन पे लेते हैं उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होगा, उस चीज़ को आप यहाँ समझेंगे। देखिए, मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट होती क्या? बोरो यानी उधार, और उधार की कॉस्ट यानी इंटरेस्ट। तो इट इंक्लूड फॉलोइंग। इंटरेस्ट में मतलब केवल इंटरेस्ट ही नहीं है बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट एक वाइड कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट, इसलिए इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उनको देखना जरूरी है। इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज आता है। कमिटमेंट चार्जेस, लोन उठाने तक का इंटरेस्ट। मैं होता क्या, कभी कभी बैंक ने आपका लोन पास कर दिया कि लो जी आपके अकाउंट में हमने पैसे जमा कर दिए, और आपने लोन अभी तक बैंक से पैसा उठाया नहीं और 2 महीने लग गए, तो बैंक ने तो कह दिया हमने लोन पास कर दिया, आप तुम उठाओ चाहे नहीं उठाओ, हम तो इंटरेस्ट लेंगे। तो उन 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कमिटमेंट चार्जेस कहलाता है, यानी लोन उठाने तक का इंटरेस्ट। जब तक आप लोन का अमाउंट ना उठाएं तब तक का भी इंटरेस्ट तो लगेगा, वो भी बोरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लोन, मान लो आपने लोन लेने का जो एप्लीकेशन का काम दिया था वो CA को दिया था और CA को उसके बदले में कोई चार्जेस पे किए हैं, तो वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा। भाई बोरो करने की ये भी तो एक कॉस्ट हो गई। एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर आपने डिबेंचर को इशू करते हुए कोई डिस्काउंट दिया है तो वो भी आपका लॉस है, कॉस्ट है, वो भी बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा। तो ये चार चीज़ें मिलकर बोरोइंग कॉस्ट बनती है। ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट को आगे से BC लिखेंगे अपन। बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड इफ इट इज इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अगर क्वालिफाइंग एसेट पर है तो इसको कैपिटलाइज करना है। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है पहले उसको समझें। क्वालिफाइंग एसेट मीन एसेट विच आर कन्वर्टेड, कंस्ट्रक्टेड एंड विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड, यानी जो बनाई जाएगी और सब्सटेंशियल पीरियड, कोई अच्छा खासा पीरियड लेगी, कुछ टाइम लेगी बनने में, ऐसे तुरंत नहीं बन जाएगी। ऑफ टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कुछ टाइम लेगी, 12 मंथ और मोर। फॉर एग्जाम्पल कार, अगर आप कार खरीदने गए तो उसमें कोई टाइम थोड़ा लगता है, कार खरीद ली हो गई बनी बनाई थी, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहलाएगी। क्वालिफाइंग एसेट जो कंस्ट्रक्शन हो जिसमें और सब्सटेंशियल पीरियड या 12 महीने से ज़्यादा लगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्यूटर को बनाने में टाइम थोड़ा लगता है, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। बिल्डिंग, ये क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि एक बिल्डिंग आप अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 12 महीने उससे ज़्यादा लगेंगे। शिप, शिप का क्या होता है, बनना चालू हुआ तो 3-4 साल लग जाते हैं बनने में, शिप के साइज बहुत बड़े होते हैं, ये भी एक चलती फिरती बिल्डिंग है जो तैर रही है, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट है। लिक्वर, अब लिक्वर आप कहोगे सर ये कैसे क्वालिफाइंग एसेट है, तो देखो लिक्वर जो है तैयार करने के बाद स्टोरेज करना पड़ता है, क्योंकि लिक्वर जितना पुराना हो उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, तो अब वैसे उसको भी तैयार करने का 2-4 साल का प्रोसेस है। जितना पुराना लिक्वर होगा उतना ही महंगा होता है, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट है। फैक्ट्रीज, ये भी कंस्ट्रक्शन है, ये भी क्वालिफाइंग एसेट है। फ्लैट, अब फ्लैट आपने खरीदा तो बना बनाया खरीदा है, या तो आपने बना बना खरीदा है तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। डैम, ऑब्वियस है टाइम लगेगा बनने में, क्वालिफाइंग एसेट है। तो बोरिंग कॉस्ट नॉट इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज ट्रांसफर टू P&L। भाई आपने जो बोरिंग कॉस्ट खर्च की है क्वालिफाइंग एसेट नहीं है पर, तो इस कंडीशन में वो बोरिंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज नहीं की जा सकती, वो आपका खर्चा है, आपको उसको P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी बोरिंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च की गई है तो ही उसे कैपिटलाइज किया जा सकता है, उसे एसेट बनाया जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज आप उसे P&L में खर्चे के तौर पे दिखाएंगे। ये बात एक एग्जाम्पल से जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है, ठीक है। देखें, 1 जनवरी 2001 को आपने एक लोन लिया 1 लाख का 10% के हिसाब से, ठीक है। अब फिर आपने 1 साल बाद 1 जनवरी 2002 को एक लैंड भी ले ली, 1 जनवरी 2003 को आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया, आगे अब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ आकर जो है स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक बिगिन हो गई। अब स्ट्राइक हो गई तो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्राइक है इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, अभी 6 महीने तक स्ट्राइक चली, यहाँ आके स्ट्राइक एंड हो गई, कंस्ट्रक्शन फिर चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन चलता चलता यहाँ आकर जो है बिल्डिंग जो है वो कंप्लीटेड हो गई 1 जनवरी 2006 को, यानी कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी 2003 से चालू हुआ और 1 जनवरी 2006 तक चला है, ठीक है। और उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, अब या लोन अभी भी आपका चलता चल रहा है, ठीक है। अब इसमें कि सर इंटरेस्ट वगैरह का कैसे होगा, तो देखो पहले साल आपने जो लोन ले लिया था तो तब तक बिल्डिंग बननी चालू नहीं हुई थी, ठीक है, तो 10,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट यहाँ लगा। फिर लैंड खरीद ली
लेकिन बिल्डिंग मनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 10,000 रुपये का इंटरेस्ट आपने यहाँ भी पे किया, ये जो 10 और 10 टोटल 20,000 पे किए हैं ये आपके पी एंड एल में जाएंगे, एक्सपेंस होंगे क्योंकि अभी तक क्वालिफाइंग एसेट चालू ही नहीं हुई है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है 1 जनवरी को, यानी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले के जो दो साल हैं इनमें आपने 10,000 रुपये का जो इंटरेस्ट पे किया, टोटल 20,000 रुपये का इंटरेस्ट, वो क्वालिफाइंग एसेट पर नहीं हुआ, वो बिल्डिंग पर नहीं हुआ, दैट्स वाई उसको पी एंड एल में एक्सपेंस के तौर पर ही लेना पड़ेगा, आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट आपको पूरा लेना है 10,000 10,000 10,000, है ना, ये पूरा 3 साल तक ये, लेकिन इसमें भी क्या 6 महीने स्ट्राइक के हो गए, तो ये 6 महीने आपको जो है सस्पेंशन करना पड़ेगा, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइज, क्योंकि इस दौरान अगर इंटरेस्ट जो लग रहा है उसमें बिल्डिंग तो बन नहीं रही थी, बिल्डिंग तो रुक गई थी, बिल्डिंग रुक गई थी, दैट्स वाई सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइज हो जाएगा। इन 6 महीने में आप कोई भी कैपिटलाइज अमाउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, इट इज कॉल्ड इंसेप्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यहाँ से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा और यहाँ आकर जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ आकर सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी समापन हो जाएगा। इस दौरान इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इन दोनों के बीच में आप जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का आपका अमाउंट जो है वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता। अब देखो ईयर 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ के लोन रिपेड हो गया, तो यहाँ 6 महीने बाद ही हो गया, तो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट है, यहाँ भी 6 महीने का है, पूरे साल का 10,000 है तो 6 महीने का कितना होगा 5,000। अब मैं इन सभी पीरियड के इंटरेस्ट के एंट्रीज बताता हूँ, पहले तो इन 2 सालों की जिस दौरान बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ था, इस दौरान आपका इंटरेस्ट खर्चा था, तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, देखो इन 2 सालों की तो एंट्री होगी, पहले साल दोनों सालों की एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 10,000 रुपये आपका पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 10,000 प्लस 10,000 ये टोटल कितना हो गया 20,000 का पेमेंट आपने कर दिया। अब 1 जनवरी 2003 10,000 यहाँ 10,000, फिर ये जो आपका कैपिटलाइज होगा यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये बिल्डिंग में चार्ज होगा, ये पी एंड एल के अंदर चार्ज नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया बिल्डिंग टू कैश। अगले साल क्योंकि 6 महीने जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था ये वाला, तो ये 5,000 का इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन ये 5,000 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। देखो पहले 6 महीने का जो 5,000 है वो तो बिल्डिंग में जुड़ेगा, अगला 5,000 तो आपका खर्चा हो गया, स्ट्राइक हो गई थी, स्ट्राइक पीरियड में बिल्डिंग का कैपिटलाइजेशन नहीं हो सकता, दैट्स आपको खर्चा ही मानना पड़ेगा पी एंड एल टू कैश। फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट हुआ, 10,000 और लगे बिल्डिंग टू कैश। अब जो है कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, दैट्स वाई इसके बाद जो ये 10,000 लगे, उसके बाद जो ये 5,000 लगे, ये 15,000 तो पी एंड एल में ही जाएंगे। तो देखो ये 10,000 आपके पी एंड एल में गए और ये 5,000 भी आपके पी एंड एल में गए, फिर लोन पेड हो गया, अब आपका खर्चा बंद हो गया। तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन जो है वो आपने यहीं तक किया, इवन यहीं तक किया, और ये तो स्ट्राइक का था तो ये पी एंड एल से चार्ज हो गया, उससे पहले भी बिल्डिंग में जोड़ा, उसके बाद भी बिल्डिंग में जोड़ा, ये वाला बिल्डिंग में नहीं जोड़ा। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना पड़ता है। सर कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब होता है, कहते हैं कैपिटलाइजेशन बिगन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कैपिटलाइजेशन कब चालू होता है, बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट लग रही हो, लग रही थी बिल्डिंग से पहले, बनाने से पहले अपन लोन ले चुके थे, एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड, उस पर खर्चा किया होगा, एंड एक्टिव डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, वहाँ बिल्डिंग बन रही हो, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गया। सस्पेंशन स्ट्राइक वाला जो पीरियड आया था उसको सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कहते हैं। व्हेन एवर एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, भाई रुक गया, इंटरप्शन हो गया, स्ट्राइक हो गई, ड्यू टू अबनॉर्मल रीजन, रीजन कुछ भी हो सकता है, देन कैपिटलाइजेशन इज सस्पेंडेड, तो फिर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, यानी अब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, वो तो आपका खर्चा है, आपका नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज स्ट्राइक, स्टे ऑफ कोर्ट, देन कैपिटलाइजेशन विल नॉट बी डन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टे, उस दौरान का जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कब कैपिटलाइजेशन रुक जाता है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड कैपिटलाइजेशन सीज्ड, भाई बिल्डिंग का जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया था कैपिटलाइजेशन रुक गया था, एसेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बोरिंग कॉस्ट आर नॉट बीइंग इनकर्ड, और अब बोरिंग कॉस्ट ना हो रही हो, दोनों काम होंगे तो ही आपका, भाई मान लो एसेट अभी चल रही है, तो फिर कैपिटलाइजेशन होता रहेगा,
है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आपका जो है वो कैपिटलाइजेशन रुकेगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड विल बी डिस्क्लोज, कहते हैं जितने भी बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज किया उसको अलग से दिखाना चाहिए, एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट विल बी डिस्क्लोज कि आपने जो ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट किया है कि उसको कैपिटलाइज किया है या उसको PNC चार्ज किया है, इसको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, आपको रिपोर्ट में दिखाना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका AS 16 है, बाकी न्यूमेरिकल आप स्कैनर से एक बार करें आपको परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।